नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSE with HSM में। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा अंडर ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन सेशन 2020 से 2021 के संदर्भ में महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे हम वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हम इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। क्विक लिंक्स के अंतर्गत हमें एडमिशन एग्जामिनेशन रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2020 से 2021 का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। न्यूज़ एंड इवेंट्स के अंतर्गत हमें व्यू ऑल न्यूज़ एंड इवेंट्स पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। 12 दिसंबर 2020 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर की फिफ्थ अंतिम सूची BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BA, BBA, LLB फर्स्ट, DPharm एंड BPharm जारी कर दी गई है। प्रवेश केवल रिक्त सीटों पर ही दिया जाएगा। सीट खत्म हो जाने पर पेमेंट का ऑप्शन हटा दिया जाएगा। जिन विद्यार्थियों का नाम फिफ्थ अंतिम सूची में है, उन विद्यार्थियों को दस्तावेजों का सत्यापित करवाने तथा फीस जमा करवाने की एक ही तिथि दी गई है। विद्यार्थी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद JNU की वेबसाइट से फीस जमा करा सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि विलंब शुल्क के साथ 14 दिसंबर 2020 है। फीस की रसीद संकाय में जमा करवाएं। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर एडमिशन सेशन 2020 से 2021 के संदर्भ में महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब बात करते हैं हम सेकंड नोटिफिकेशन के संदर्भ में। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें गाइडलाइंस एंड हेल्प फाइल्स डाउनलोड सेक्शन दिखाई देगा। 9 दिसंबर 2020 को महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन से जारी किए गए हैं, प्रोविजनली कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट ऑफ MSc जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट, लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स इन ऑर्डर ऑफ कैटेगरी वाइज मेरिट सेशन 2020 से 2021 MSc फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी GAS। मेरिट लिस्ट इज बेस्ड ऑन द डिटेल्स फिल्ड बाय द कैंडिडेट विच नीड टू बी वेरीफाइड फिजिकली बाय द कॉलेज। द एडमिशंस विल बी रिमेन स्ट्रिक्टली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरीफिकेशन ऑफ मार्क सीट्स वेटेज एंड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स बाई ऑथेंटिक एजेंसी। सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रिफ्रेंस फील्ड बाई द कैंडिडेट मे बी चेंज्ड बाई द कॉलेज सब्जेक्ट टू मेरिट स्टेटस एंड एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड सीट्स अवेलेबिलिटी इन द सब्जेक्ट इन दैट कॉलेज। तो यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट दी गई है। नंबर फर्स्ट नॉर्मल, और यहाँ पर डेट इशू दी गई है 9 दिसंबर 2020 को जनरेट किया गया है। यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम और एक्चुअल मार्क्स और वेटेज, पासिंग ईयर्स और बोर्ड ऑफ डोमिशियल के संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है जारी की गई है।
इस पीडी फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। प्रोविजनल कॉमन मेरिट लिस्ट फॉर एमएससी बोटनी फर्स्ट सेमेस्टर, दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी डिग्री है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट है बोटनी जीएएस। तो यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की गई है। इस पीडीएफ फाइल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। मेरिट लिस्ट ऑफ एमएससी फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर, इस पीडीएफ फाइल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इसी तरह से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की है, केमिस्ट्री की है। इन सभी पीडीएफ फाइलों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ में रिवाइज्ड एडमिशन इन एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर 2020 से 2021 दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। रिवाइज्ड शेड्यूल फॉर एडमिशन इन एमएससी प्रीवियस सेमेस्टर फर्स्ट एज पर यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन नंबर 10/12/2020 इज एज अंडर। तो यहाँ पर लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म विथ लेट फीस 12 दिसंबर 2020 रखी गई थी। और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले इन द डिपार्टमेंट नोटिस बोर्ड 14 दिसंबर 2020। ऑब्जेक्शन इफ एनी सबमिशन इन द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट तो 15 दिसंबर 2020। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग हार्ड कॉपी इन द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट तो यहाँ 18 दिसंबर 2020 को। फाइनल मेरिट लिस्ट इन द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट नोटिस बोर्ड ऑनलाइन 19 दिसंबर 2020 को जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी। ऑनलाइन एडमिशन एंड काउंसलिंग कम पोस्ट एडमिशन स्पॉट काउंसलिंग कम स्पॉट एडमिशन इन डिपार्टमेंट वाइज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शेल कंडक्ट द प्रोसेस सेपरेटली इन ईच डिपार्टमेंट फी डिपोजिटेड चालान कॉपी टू बी डिपोजिट ऑन द सेम इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर केमिस्ट्री 21 दिसंबर 2020, बोटनी एंड फिजिक्स में 22 दिसंबर 2020, जियोलॉजी मैथ्स एंड जूलॉजी के लिए 23 दिसंबर 2020, टेंटिव कमेंसमेंट ऑफ क्लास इन ऑल सब्जेक्ट एज पर स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस तो 28 दिसंबर 2020 से जो रेगुलर जो पढ़ाई है वो स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। तो ये रिवाइज्ड जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है 14 दिसंबर 2020 को। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी या डिपार्टमेंटली जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पर भी और ऑनलाइन भी वेबसाइट पर भी ये जारी की जाएगी। और इसी के साथ में 15 दिसंबर तक ये सबमिशन इन द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन अगर कोई हो तो जैसे ही नया नोटिफिकेशन जारी होता है इस चैनल के माध्यम से आपको इसके संदर्भ में सूचित किया जाएगा।
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए जय नारायण विश्वविद्यालय का अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को समय समय पर प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSEVHSM के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया गया है। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSEVHSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।